तो जोहार दोस्तों, वेलकम है आप सभी का। और शुरू करते हैं, आज हम लोग SKMU सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 1 का सिलेबस आ चुका है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं वाले हैं अभी SKMU सेमेस्टर 3 का सिलेबस। ठीक है, तो चलिए धीरे धीरे करके आपको सब कुछ बताऊंगा। पहले देख लेते हैं क्या क्या है सेमेस्टर 3 में। तो देखिए, सेमेस्टर 3 में आपके 5 गो पेपर है। ठीक है, एक AAC, सॉरी 6 पेपर रहेगा। AAC का पेपर एक, MDC का पेपर एक, ठीक है, 2 गो हो गया। माइनर पेपर एगो रहेगा, 3 गो हो गया। सेक पेपर एगो रहेगा, 4 गो हो गया। और 2 गो मेजर पेपर रहेगा, मेजर पेपर 4 और 5, टोटल 6 गो पेपर रहेगा। इसमें से आज हम लोग जानने वाले हैं AAC पेपर का सिलेबस। ठीक है, देखिए AAC में जो आपके सिलेबस है उसको ध्यान से देखना है। यहाँ पे देखिए, पहला है आपका AAC इंग्लिश कोर्स। ठीक है, इसमें सेमेस्टर 3 में AAC पेपर 4A में जो लोग रखिएगा इंग्लिश इलेक्टिव, उनका सिलेबस ये है। ठीक है, पहला आपका इंग्लिश का ऑप्शन देगा। दूसरा है आपका यहाँ पे AAC पेपर सेमेस्टर 3 में हिंदी रख सकते हैं आप, व्यवहारिक हिंदी। ठीक है, हिंदी इलेक्टिव में, और इसका कोड है AAC 3A। और अगर आप हिंदी नहीं रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे संस्कृत भी रख सकते हैं। संस्कृत वैसे बहुत कम लोग रखते हैं ना, चलिए जो भी है, अगर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। और इसका कोड है आपका AAC पेपर 1 का संस्कृत का कोड यहाँ पे नहीं दिया ना, कोई बात नहीं। और फिर है आपका यहाँ पे, अगर आप AAC में संथाली रखना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अपना ओरिजिनल लैंग्वेज को रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। मैं भी अपना ओरिजिनल लैंग्वेज रख के पढ़ता था ग्रेजुएशन में। ठीक है, तो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आपका जितना भी AAC पेपर है, चाहे आप कोई भी पेपर लो, इंग्लिश लीजिए, हिंदी लीजिए, संस्कृत चाहे संथाली, सबका मार्क्स रहेगा 50 नंबर का। पास करने के लिए 20 नंबर लाना होगा। ठीक है, टाइमिंग आपका जो रहेगा एग्जाम का वह रहेगा 1.5 घंटा। ठीक है, अब देख लेते हैं तो संथाली में क्या क्या पढ़ना है और आपका हिंदी में सबका सिलेबस जानेंगे। और अगर आप ये भी नहीं रखना चाहते हैं तो उर्दू भी रख सकते हैं। ठीक है, उर्दू का कोड है AAC 301T। ठीक है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज MIL, ये आपका उर्दू का सिलेबस है, यूनिट 1, 2, 3। उर्दू के कौन है फादर ऑफ उर्दू? महमूद उल हक ना। मैं सही बोला या गलत आप लोग बताइएगा, मैं बहुत दिन से बोल गया हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, सिलेबस को हम लोग डिस्कस करते हैं। और हाँ, कुछ लोग हैं जो कि कोर्स बेच रहे हैं। यार कोर्स नहीं बेचो, कम से कम शिक्षा को व्यापार मत बनाने दीजिए। और ये जो मतलब ग्रेजुएशन के कर रहे हैं SKMU से, ये उतना अमीर घर के लोग नहीं है कि आप लोग की कोर्स खरीदें। मतलब मिनिमम होता है, यार बच्चा गरीब घर से होता है, ग्रेजुएशन करता है, नहीं तो यहाँ से क्यों करता ग्रेजुएशन? अगर उसके पास पैसा ही होता तो सेंट जेवियर चला जाता, नहीं तो कोई बाहर का यूनिवर्सिटीज कर लेता अच्छा सा। ठीक है, SKMU से क्यों करता? इसलिए कोर्स वगैरह कुछ लोग बेच रहा है, चलिए जो भी है वो उनकी नीति है। मैं कोर्स वगैरह नहीं बेचूंगा कभी। ठीक है, फ्री में ही दूंगा, जो भी पढ़ाऊंगा फ्री में। तो ये सिलेबस का PDF मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दूंगा। फिलहाल देखते हैं क्या पढ़ना है। तो 50 मार्क्स का रहेगा, 5 नंबर 20 रहेगा। टाइमिंग आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा एग्जाम में, आप जो भी चुनिएगा ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते समय। ठीक है, ध्यान से चुनिएगा, जो आपको आसान लगे वही चुनिएगा। मेरा सजेशन रहेगा हिंदी चुनिए, सबसे ज़्यादा बेटर है। और जो संथाली रखने सकिएगा वो संथाली। ठीक है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश को रख सकते हैं, संस्कृत से प्यार है तो संस्कृत, और अगर आप उर्दू जुबान बोलते हैं तो आप उर्दू को रख सकते हैं। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है। यूनिट 1 इंग्लिश में आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, उसके बाद AAC पेपर आपको हिंदी में क्या पढ़ना है। ठीक है, और आपका संस्कृत में क्या पढ़ना है, सबको जानते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है हमारा यहाँ पे AAC पेपर में इंग्लिश, इसमें है कंटेंट 1, यूनिट 1, यूनिट 2, 2 ही यूनिट पढ़ने हैं। ठीक है, पहला यूनिट क्या मैसेज आया यार, बाद में देखेंगे। तो पहला यूनिट है आपका पैराग्राफ, इसमें आपको पढ़ना है राइटिंग। ठीक है, राइटिंग शॉर्ट पैराग्राफ ऑन गिवन सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट दिया जाएगा उसमें आपको पैराग्राफ लिखा रहेगा, हो सकता है आपको पैराग्राफ पढ़ के आंसर करना हो। ठीक है, नेक्स्ट स्टोरी राइटिंग, आपको स्टोरी लिखने पा सकता है। ठीक है, फिर आपका है एक्सप्लेनेशन, फिर है आपका पैराग्राफ ऐसे राइटिंग, इन सब में आ सकता है। आगे देख लेते हैं, तो फिर आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन आएगा, देन आपका मॉडल से क्वेश्चन आएगा, फिर आपका पॉजिटिव कंपेरेटिव डिग्री जो है, सुपरलेटिव डिग्री जैसे गुड बेटर बेस्ट, ठीक है, वो डिग्री से क्वेश्चन आएंगे। फिर आपका है आपका साइंथिस ऑफ सेंटेंस से क्वेश्चन आएंगे, देन आपका है साउंड ऑफ इंग्लिश, जितने भी हैं और डिफरेंट साउंड्स के, वो सब क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ रेफरेंस के बुक दिए गए हैं 5, आप इसमें से किसी एक बुक को पढ़ सकते हैं।
लेकिन आप लोग तो गेस्ट पेपर पढ़ते हैं ना। चलिए जो भी है जहाँ से भी पढ़ते हैं लेकिन पढ़ते हैं चाहिए। अब आपका हिंदी का सिलेबस देखते हैं, अभी हम केवल सरसरी निगाह से देख रहे हैं, डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जब लाऊंगा डिटेल, उस टाइम पे आपको क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करवा दूंगा, ठीक है, जब एग्जाम सामने आएगा उस टाइम पे। अभी आप लोग को खुद से पढ़ने के लिए छोड़ दे रहा हूँ। इंग्लिश के बाद हिंदी इलेक्टिव आता है और इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो दो यूनिट पढ़ना है। यूनिट वन विविध पत्र लेखन, पल्लवन, पल्लवन संक्षेपण, पल्लवन मतलब विस्तार करना, जैसे 500 शब्दों का कोई वर्ड दे दिया गया है उसको बोलेगा 500 शब्दों में लिखे, ठीक है, 50 शब्दों का कोई वर्ड है और उसको 500 शब्दों में कैसे लिखेगा, ये पल्लवन हो गया। संक्षेपण जस्ट उल्टा कि बहुत लंबा कोई पैसेज है उसको कुछ 50 शब्दों में लिखना है, जैसे 500 शब्दों का पैसेज है उसको 50 शब्दों में लिखना है तो उसको संक्षेपण, संक्षेप मतलब छोटा, पल्लवन मतलब बड़ा, ठीक है, पल्लवन मतलब बड़ा करना, संक्षेपण मतलब छोटा करना। फिर आपका वर्ण है, वाक्य है, शुद्ध है, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, मुहावरे, लोक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, ये आएंगे। आगे देखते हैं तो निबंध में क्या क्या आएगा, तो पर्यावरण से निबंध हो सकता है, नैतिकता से निबंध हो सकता है, विज्ञान से निबंध हो सकता है, साहित्य, राष्ट्रीयता पर आधारित, ये इनमें से कोई एक निबंध हो सकता है। तो देखिए कितना छोटा सा आप सिलेबस है हिंदी का। आगे देखते हैं तो नेक्स्ट संस्कृत। संस्कृत मुझे शुरू में पढ़ते थे, बाद में फिर पढ़ाई वगैरह छूट गया संस्कृत का, तो क्लास 6 तक ही हम संस्कृत पढ़ पाए, ठीक है। संस्कृत मातृभाषा और इसमें लिखा है आपका यूनिट, ठीक है, इकाई का, इसमें आपका जयदेव कृत गोविंद विंदम, ठीक है, और वल्लभाचार्य कृत मधु राष्ट्रक्रम, फिर ये आपका डॉक्टर रमाकांत शुक्ल कृत भाति से भारतम, ठीक है, पद 1 से पद 11 तक। फिर आपका ख नंबर, इसमें आपको वर्ण, प्रत्याहार, लिड, वचन, पुरुष, उपसर्ग, अव्यय, संस्कृत गणना आदि का सामान्य अध्ययन, शब्द रूप जिसमें देव, लता, फूल, मुनि, मति, नदी, नारजन, आत्मन, जागत, अस्मद, आयुष्म, किम, ततम, धातु रूप को पढ़ने हैं जिसमें आपको पट धातु, गम, पा, दृश्य, हन, यक्ष, लाव, लट लकार, लिट लकार और लट लकार, लोट और विविध लकारों में आपको देखना है, ठीक है, क्लास 6 का टॉपिक है ना, लट लगार लिट लगार याद कर देते हैं। नेक्स्ट आपका इकाई ग, इसमें आपको अपठित गद्यांश दिए जाएंगे और आपको पढ़ के आंसर करने होंगे, ठीक है, ये है संस्कृत का सिलेबस, इसमें 3 यूनिट है। आगे देख लेते हैं तो नेक्स्ट हमारा है संथालीस का, संथाली हर संवाद थे, ठीक है, इसमें है कोर्स ऑब्जेक्टिव देख लीजिए आपके, ये यूनिट है, 2 का यूनिट, 3 4 को, 4 का यूनिट है यार, हर शरण, इसमें आपका पहला यूनिट है जो कि बाबूलाल मुर्मू आदिवासी पाढ़िंस बाहा सोहराय दौड़ लांगड़े आर दसाई है। फिर आपका संथाली होड़ कहानी को, इसमें है रेहवा पी ओ बोर्डिंग पढ़ाक हिंस मिता टांड पापी कुड़ी रया कथा यूल आर बानकिन यार नूतन चिकन आया बड़ा चिकन आया कमेंट कराना, ठीक है, मुझे उतना संथाली नहीं आता है, जो आता है मैंने बोला है आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। तायो मामलाई छिंडवा तेक रयाक ये आपके हैं, फिर काकी एंग प्रयाड़ है और संथाली यूनिट 3 में है संथाली कुदुम, इसमें आपका है नुनकु सोरेन, ठीक है, और फिर आपका है संथाली यूनिट 4 में संथाली भेंता कथा और कातुक, ठीक है, इसमें बाबूलाल मुर्मू एंड आदिवासी। अब आगे देख लेते हैं तो ये रेफरेंस के कुछ बुक हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, 50 मार्क्स का ही एग्जाम होगा और सब्जेक्टिव में आएगा पेपर। आगे देख लेते हैं तो आते हैं अंतिम पेपर उर्दू, इसमें सेमेस्टर 3 AAC पेपर 301 लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज उर्दू, ठीक है। तो देखिए उर्दू में यहाँ से शुरू होता है, उर्दू में तो दाएं से बाएं की ओर पढ़ा जाता है ना, है ना, देखिए तो इसमें क्वेश्चन जो है आपका इसी टाइप से फ्रेम किया जाएगा, किस टाइप से, तो 2 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन रहेंगे, 4 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन रहेंगे और 10 मार्क्स वाला एओ क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, 3 ग्रुप रहेगा, ग्रुप ABC। पहला ग्रुप है आपका उर्दू ग्रामर, ठीक है, ये है आपका यूनिट 1, इसमें 4 टॉपिक है। फिर आपका यूनिट 2, इसमें आपके 5 टॉपिक है, 1 2 3 4 5 टॉपिक है। देन आपका यहाँ पर रेफरेंस के बुक है, बस 2 यूनिट पढ़ने हैं कंप्लीट, ठीक है। तो ये है आपका सिलेबस, इसी तरह से मैं बारी बारी सिलेबस अपलोड कर दूंगा, एग्जाम से पहले सब कुछ कंप्लीट सिलेबस अपलोड कर दूंगा और जैसे एग्जाम आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवा दूंगा। थैंक यू बाय फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, PDF वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है दोस्तों, बाय बाय, और क्या बोलूंगा, हाँ।
संथाली अगर आपका भाषा रहेगा तो जरूर आप संथाली को ही प्रेफर करें, क्योंकि मैं मातृभाषा को हमेशा सम्मान देता हूँ ज्यादा। महात्मा गांधी बोला करते थे कि हमें सबसे पहले अपनी मातृभाषा को ध्यान देना चाहिए, देन हिंदी को जो हमारी राष्ट्रभाषा है, उसके बाद हम किसी अदर लैंग्वेज जैसे इंग्लिश हो गया फिर यानी अदर लैंग्वेज को भाषा दें। ठीक है, तो जो आपका मदर टंग होता है ना, मातृभाषा, उसको ज्यादा हृदय से बोलना चाहिए। किसी के भी सामने हो, कोई भी बेझिझक बोलो यार, शर्माओ मत कि मैं मातृभाषा बोलूंगा तो छोटा हो जाऊंगा, नहीं रे भाई। ठीक है, मैं हमेशा अपनी मातृभाषा में ही बात करता हूँ, चाहे जितना हो जो भी हो, ठीक है, जहां तक संभव हो। बाय बाय, बहुत बातें हो गई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, पीडीएफ वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।